स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। कॉलेज में पढ़ते बच्चे थोड़े ना इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा तो डूबता ही है। क्या ऐसे सवाल आपको भी सुनने में आते हैं? क्या आपको भी स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर लगने लगता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में आते होंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। इसीलिए आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ताकि आज के बाद आपको एटलीस्ट ये डर ना रहे कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हैं। जी हाँ, इतना ही सिंपल है। यकीन ना हो तो करके देख लो। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी सीख पाओगे। क्योंकि एंड में जो पॉइंट आपको मैं बताने वाली हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शेयर या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि कैसे आप बेस्ट स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। मुझे इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कौन से स्टॉक में करूं, किस कंपनी में अपना पैसा डालूं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर विद द यूज ऑफ स्क्रीनर। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई भी स्टॉक्स या शेयर्स रिकमेंड नहीं कर रही हूं इस वीडियो में, तो आप लोग अपनी समझदारी से इन्वेस्ट करना। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूं कि आप स्टॉक्स को कैसे जज कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गूगल पर टाइप करना है स्क्रीनर। टाइप करते ही आपके पास उसका होम पेज खुल जाएगा। वहां पर आपको टॉप पे नजर आ रहा है स्क्रीन्स। स्क्रीन्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साइड में लिखा आता है ब्राउज सेक्टर्स। ब्राउज सेक्टर्स का मतलब है कि आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से सेक्टर की इंडस्ट्री को चूज करना चाहते हैं और किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं हमें, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एग्रोकेमिकल्स, एल्कोहलिक बेवरेजेस, बियरिंग्स, केबल्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं सीमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सीमेंट चूज किया, तो हमें एक लिस्ट ऑफ कंपनीज नजर आएगी जो भी कंपनीज सीमेंट इंडस्ट्री में फॉल करती हैं। अब जैसे यहाँ सामने खुल गया है अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, दालमिया भारत लिमिटेड, ये सारी 25 कंपनीज आपको पहले पेज पर नजर आ रही। तो इसका मतलब है कि जितनी भी कंपनीज सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर लिस्टेड हैं, वो कंपनीज आपको स्क्रीनर पर नजर आएंगी। लेकिन अब इतनी बड़ी लिस्ट में से कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा? तो मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 पॉइंट्स जिनके बेसिस पर आप जज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले पॉइंट जो नोट करने वाला होता है वो है कंपनी का एक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। इसका मतलब है कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो किसी बिजनेस की ग्रोथ और शेयर होल्डर्स में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। चलिए वापस आते हैं अब स्क्रीनर के ऊपर। तो जैसे ही हमने वो लिस्ट ऑफ कंपनीज निकाल ली, अब हम साइड में जाएंगे एडिट कॉलम्स के ऊपर। तो इन फिल्टर्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस बेसिस पर आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर जो हमें पेज नजर आ रहा है उस पर हमें क्लिक करेंगे कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो पे क्लिक करते ही हमें रीसेंट, प्रीसीडिंग और हिस्टोरिकल कैश फ्लो का एक डेटा खुल जाएगा सामने से। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि सपोज हमें एक फ्री कैश फ्लो देखना है प्रीसीडिंग ईयर का, तो हमने प्रीसीडिंग ईयर का कैश फ्लो सिलेक्ट किया और वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो गया हमारे डिफॉल्ट सेक्शन में। जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया तो हम सेव कॉलम से जाएंगे और उसे क्लिक कर देंगे। अब जो कंपनीज की लिस्ट फिल्टर आउट हो गई है वो हुई है कैश फ्लो के बेसिस पर, यानी यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि किस कंपनी का कैश फ्लो प्रीसीडिंग ईयर में कितना था। तो आप उसमें जज कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। अब जैसे यहाँ पे खुल गया है अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, दालमिया, अब हम देख पा रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो कैश फ्लो था वो पॉजिटिव है, लेकिन वही अंबुजा सीमेंट का देखें तो वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर आप इसके ऊपर टॉप पैनल पे जहाँ पे ये हेडलाइन लिखी है कि फ्री कैश फ्लो प्रीवियस एनुअल कितना रहा है, उस पे क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज हो जाता है, जिसके बाद आपके लिए और भी इजी हो जाएगा सिलेक्ट करना कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बिजनेस रन कर पाए। वैसे फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो आप सीख सकते हैं। उस ऐप में आपको फार्मिंग, बिजनेस और फाइनेंसिस से रिलेटेड 1000+ कोर्सेज मिल जाएंगे जो एक्सपर्ट नॉलेज के साथ आपको सिखाए जाते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल प्रोफाइल दोनों पर डाल दिया है। दूसरा पॉइंट जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए वो ये है कि उस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। ये एक अच्छा तरीका है ऑफ इवैल्यूएटिंग कंपनीज वैल्यू। ये कैलकुलेट होता है स्टॉक प्राइस को मल्टीप्लाई करने से बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और वो शेयर प्राइस करंट वाला होना चाहिए, यानी अभी क्या चल रहा है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की वैल्यू कितनी है और कितना रिस्क जुड़ा है ये जानना बहुत जरूरी होता है। मार्केट कैप से इन्वेस्टर्स को ये भी पता चलता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कितना ग्रो कर सकते हैं। अब थोड़ा सेल्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, जो 15% से ज्यादा हो तो बेहतर है। सेल्स ग्रोथ यानी कंपनी ने कितनी सेल्स की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। कोई भी ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला होता है करंट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई बाय 100।
फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी की 2022 में सेल्स हुई थी 5 लाख की, 2023 में हुई 7 लाख की, तो अब हमें देखना है कि उस कंपनी ने ग्रोथ कितनी की। अब मानते हैं कि कंपनी की 2023 जो है वो करंट ईयर है और 2022 प्रीवियस ईयर है, तो 7 लाख में से 5 लाख गए, उसको डिवाइड किया हमने 5 लाख से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हुआ 40। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी की 40% ग्रोथ हुई है। इसी तरह प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बला है? इसका मतलब होता है कि कंपनी की जो भी इक्विटी है उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न या कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। ये कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। मान लीजिए कि एक 5 रुपए के शेयर होल्डर के स्टॉक से नेट इनकम जनरेट हुई 1 रुपए की, तो उसका आरओई होगा 20%, यानी उस पर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 20% का हुआ है। अगर ये 15% से ज्यादा है तो एक आइडियल स्टॉक माना जा सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर एक टर्म आती है जीरो प्लेज परसेंटेज, यानी कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर्स में से कोई भी हिस्सा कैश के लिए बैंक को लेंड नहीं कर रहे हैं, यानी कंपनी के पास पर्याप्त कैश है बिजनेस को रन करने के लिए, जिसके लिए प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को लेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जीरो प्लेज परसेंटेज होना भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक आइडियल सिचुएशन माना जा सकता है। आखिरी और काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है डेट टू इक्विटी रेशो, जो अगर 1 से नीचे हो तो कंपनी में निवेश करने के बारे में आप सोच सकते हैं। ये रेशो बताता है कि कंपनी कितना लेवरेज इस्तेमाल कर रही है और कितना कर्ज उठा रही है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। जितना ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशो होता है उतना ही ज्यादा रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशो यानी कंपनी के पास ज्यादा कर्जा है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर्स इक्विटी। चलिए अब ये सारी टर्म्स को आपको बारी बारी से कंपनी वाइज समझाती हूँ, कैसे, स्क्रीनर का यूज करके। हम एक बार फिर दोबारा स्क्रीनर ओपन करेंगे और इस बार फिल्टर आउट करेंगे वो सारी चीजें जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो सेम पेज पे गए, हमने सीमेंट इंडस्ट्री को सेलेक्ट किया हुआ है, हमने एडिट कॉलम्स पे गए और यहाँ पे हमने वो सारी चीजें सेलेक्ट करी अपने फिल्टर्स में से जिसके अगेंस्ट हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अब सपोज हमने बात की थी अभी रिटर्न ऑन इक्विटी की, फिर हमने बात की थी डेट टू इक्विटी की, फिर हमने बात किया सेल्स ग्रोथ, फिर हमने बात किया प्रॉफिट ग्रोथ और फिर हमने बात किया प्लेज परसेंटेज का। अब हमने अपने सारे फिल्टर सेलेक्ट कर लिए हैं और हमने उनको करा सेव कॉलम्स। सेव कॉलम पे क्लिक करते ही अब इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी उन्हीं बेसिस के ऊपर जिन बेसिस पे हम उनको चाहते हैं। अब यहाँ पे पहला कंपनी दिख रही है जो वो है हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका फ्री कैश फ्लो जो था वो था 2962.93 करोड़। फिर हम उसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो 0.19 है। आरओई परसेंटेज देखें तो 12.32 है। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज देखें तो 12.13 है। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज देखें तो 39.97 है। ऐसे ही प्लेज परसेंटेज देखें तो 0 है। इसी तरीके से आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और वीडियो में बताए गए पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एडिशनल पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में उन पॉइंट्स के बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरी इस सीरीज को ध्यान से देखते रहिएगा ताकि स्टॉक मार्केट के ऊपर सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।